यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नोएडा के थाना फेज टू में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कंपनी को अपने चपेट में ले लिया। वहीं सूचना पाकर अग्निशमन की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया और अभी तक आग भी पूरी तरह से काबू नहीं हो पाई है। फिलहाल किसी जनमानस के हताहत होने की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि ये कंपनी नोएडा के थाना फेज टू क्षेत्र के सेक्टर 80C21 में स्थित कैंडा फेरबिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केमिकल की फैक्ट्री है। और साथ ही आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि हमें जैसे ही सूचना मिली हम तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखते हुए गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाया। फिलहाल पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी शाम के समय C21 ये एसीटोन बनाने की एक फैक्ट्री है जिसमें एसीटोन नामक केमिकल बनता है, इसमें आग लग गई थी। अभी हमारी लगभग 15 गाड़ियां यहाँ पहुँची हुई हैं दमकल की, वो आग बुझा रही हैं। फैक्ट्री के अंदर टैंक्स बने हुए हैं जिसमें केमिकल भरा हुआ है, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसे आग बुझाने में। अभी इसमें किसी जनहानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इस फैक्ट्री में कुछ केमिकल की सामान रखा जाता है, केमिकल है इसमें, और हम लोग को इसके बारे में तुरंत जैसे पता चला, हम लोग तो सीओ इंडस्ट्री को लेकर कोई छोटी सी एक मीटिंग कर रहे थे, परसों मीटिंग करनी, तत्काल जैसे हमें पता चला, सुब्रोस हमारा मेंबर है, तो हमने तुरंत सीएफओ को फ़ोन किया। सीएफओ साहब तुरंत गाड़ी लेके तत्काल पहुँचे, फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर नहीं थे, फायर टेंडर भी तुरंत किए, मेरठ से भी एक फायर टेंडर बुलाया जा रहा, और हमने पानी का व्यवस्था अपने अड़ोस पड़ोस की फैक्ट्रियों से भी करवा दिया है, तो पुलिस का पूरा सहयोग है।